कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जो इसके अंदर डूब कर इसको सीख कर करते हैं, जो सीख कर करते हैं वो इंशाल्लाह कामयाब होते ही होते हैं। देर होना, देर लगना और बात है, जो देर पर देर लगती है जिस काम में, उसमें आखिर पॉपुलर रहने में भी देर लगती है, वो देर तक पॉपुलर रहता है। तो क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं 55 साल से 55 ईयर से गाना गा रहा हूँ, ये मेरा म्यूज़िक लाइफ है और स्टेज लाइफ है म्यूज़िक की। तो इस तरह से कुछ ना कुछ लंबा काम होता रहता है। अगर अल्लाह परवरदिगार सबको ज़िंदगी दे और अपनी पनाह में रखे तो काम का, मेरी दुआ ये है कि आप अच्छा काम हो, अच्छा काम करने वाले लोग आते रहें और जो जो गए हैं उनको खुदा गरी करामत करे और उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे। क्योंकि अभी जगजीत भाई का भी ऐसा इंतकाल हुआ, वो भी देखो ना मजबूत सिंगर था और आगे वाले आने वाले सालों में भी उनका नाम रहेगा। इसी तरह होता है, जो अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं उनका देर पर नाम रहता है। बहुत लकी हैं कि जहाँ मैं पैदा हुआ वो एक संगीत का घराना है। मेरे उस्ताद को आप सभी जानते हैं, उस्ताद अहमद हुसैन मोहसिन साहब, जिन्होंने संगीत सिखाया, सिखाते हैं। वो यही बोलते हैं कि आप रियाज़ करो, नाम अपने आप हो जाएगा। रहा सवाल आपकी इस सवाल का कि आज के टाइम में ऐसा एल्बम क्यों निकाला, तो आज भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ज़रूरत है पहल करने की। तो जितने लोग अच्छा संगीत कर रहे हैं उन सभी को मीडिया का अगर सपोर्ट और ज़्यादा मिलेगा तो मेरे ख्याल से ऐसी कोशिशें और ज़्यादा होती रहेंगी। मैं इनको इनका गाना खुद सुना है, मैं गाना सुनना नगमे सुनने से भी वही अंदाज़ा होता है जो गाना सुनने से होता है। मैंने एक दो चार दफ़ा इनको सुना है और ये बहुत मजबूत, जिसको कहते हैं ना परफेक्ट सिंगर है, और जो कुछ गाते हैं बड़ों को उन्हें सामने रख के गाते हैं। जो इनके हमारे बड़े जो हैं, इनके बड़े भी हैं, हमारे भी भाई हैं अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन, और जो लोग हैं इनके आगे जो सीनियर लोग हैं, ये सबको प्यार करता है वकील अहमद जिसका नाम है। तो ये इनके नगमे सुनने से हम एक ही दफ़ा सुनते हैं तो पूरी लाइफ का अंदाज़ा लगा लेते हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो अच्छा संगीत है, और जाहिर सी बात है कि जो सूफ़ी संगीत है, सूफ़ी के सही मतलब होते हैं परहेजगार, और सूफियाना कलाम वो जिसमें आध्यात्मिकता उसका नाम लिया गया हो, और जितने पैगंबर गुजरे हैं उनकी शान में, या जितने सूफ़ी संत गुजरे हैं उनकी सबकी शान में ये एल्बम है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि अच्छे म्यूज़िक के साथ अच्छी पोएट्री और जो गायकी है वो हम लोगों को पेश करते रहें। और जाहिर बात है इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे अच्छे म्यूज़िक की सबसे ज़्यादा कदर होती है, और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में पैदा हुए, तो अच्छा संगीत तो हमेशा चलने वाला है। हमें ये कोशिश करनी ही पड़ेगी, ये अच्छे संगीत को जितने भी और अच्छे आर्टिस्ट हैं वो भी ट्राई कर रहे हैं, हम भी ट्राई कर रहे हैं। मीडिया का सबसे ज़्यादा सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हमें चाहिए। Get to a pub so we can watch it rather than get there at three. And everyone had effort just to watch the games, you know what I mean? Yeah, so Friday, I mean, we get back after Friday's back. Friday's back. We're down about half two. अभी तक आपने फिल्म म्यूज़िक में जो है हाजी अली बाबा की शान में ज़रूर सुना है, लेकिन पहली बार प्राइवेट एल्बम में हाजी अली बाबा की शान में जो है वो हमने गाया है, मंजू जी ने कंपोज़ किया है, और इसको उस्ताद अफजल हुसैन जो जयपुर वाले थे स्वर्गीय, उन्होंने लिखा है। आपका नाम जबां पर है पिया हाजी अली, आपका नाम जबां पर है पिया हाजी अली, हाजी अली हाजी अली सबके पीर हाजी अली, हाजी अली हाजी अली सबके पीर हाजी अली।